पॉइंट में हम बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर मैं लूंगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बताने की कोशिश करूंगा, यानी तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा क्वांटम नंबर्स। सेकेंड टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर्स रहेगा। थर्ड रहेगा हमारे लिए ऑर्बिट, वो क्या कहते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। शन ऑफ एटम्स, और फोर्थ की बात रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ आयंस। और फिर आप इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक नेचर, ये सारा पोर्शन आप मेरे से आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन पांचों पॉइंट्स को करने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शंस। देखिए, शुरुआत से ही मुझे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी तो मुझे एटम की जरूरत पड़ी, एटम की जरूरत पड़ी तो मुझे एटम के अंदर देखना पड़ा, एटम के अंदर देखना पड़ा तो मुझे पता चला कि भाई एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो मुझे पता चला कि इनकी व्यवस्था यानी कि इनकी पोजिशंस और एनर्जी के बारे में मेरे को कमेंट करना है। तो इनकी पोजिशन और एनर्जी के बारे में कमेंट करना है तो मुझे ये पता करना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाए, राम, श्याम, गणेश, महेश, इस तरह से। तो कुछ तो नाम दिया जाना चाहिए था, तो इसके लिए मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ी है। तो इंट्रोडक्शंस के अंदर क्या लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा फॉर एक्चुअल एनर्जी एंड पोजीशंस, एक्चुअल एनर्जी एंड पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम वी नीड सम बेसिक पैरामीटर, सम बेसिक पैरामीटर, और वो हमारे लिए बेसिक पैरामीटर्स की जरूरत हुई कॉल्ड, उसको हमने क्या नाम दिया, कॉल्ड क्वांटम नंबर। हमने उसको क्वांटम नंबर नाम दिया, क्या नाम दिया, क्वांटम नंबर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया क्वांटम नंबर। दूसरा, चलिए ठीक है कि हमारे को एक्चुअल एनर्जी, सॉरी, हाँ, एक्चुअल एनर्जी और पोजीशन के लिए क्वांटम नंबर की जरूरत हुई, लेकिन उसके पहले हमें ये भी पता करना पड़ा कि एटम के बारे में अभी तक हम क्या जानते थे, एटम के बारे में हम अभी तक ये जानते थे, एटम के बारे में कुछ खास पॉइंट्स जो हम जानते थे कि एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस कितना होते हैं, वन न्यूक्लियस, ये बेसिक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सब मेरे लिए बेसिक फंडामेंटल थे, यानी इनको मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है, ऑफ एटम। तो यहां तक हमारे को कोई कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था कि सिर्फ वन न्यूक्लियस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है हमारे, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल। हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, थर्ड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशंस। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एटम, मैंने एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया,
कोई भी एलिमेंट है उसका एटम मुझे रिप्रेजेंट करना था, मैंने उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, जेड, और यहां ए। यहां एक्स हमारे लिए क्या रहेगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट या एटम ऑफ एलिमेंट। जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ, समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। ये बहुत छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स है। फिर मुझे पता चला कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए जेड की वैल्यू सेम होती है, ए की वैल्यू सेम नहीं होती, किसी के लिए ए की वैल्यू सेम होती है, जेड की वैल्यू सेम नहीं होती, तो उनके हम नाम क्या देना चाहते हैं। तो हमने इसके आधार पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा और हम आगे इंट्रोडक्शन को ले जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, हमारे लिए अगला पॉइंट ये था। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट है एक्स, सॉरी एक्स एलिमेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है या चला जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो उसका सिंबल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वो हमारे को शो करना पड़ता है ब्रैकेट बना के ऊपर की तरफ। तो आज कोई भी एलिमेंट है, ये मेरे पास एक्स है जिसको जेड और ए आपके पास है, इसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा प्लस इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया माइनस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये इस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ना उसका नाम चेंज होता है ना उसका एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है। यहां पर ए समेशन है और इसको क्या बोलेंगे हम, मास नंबर, और इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। तो जेड हमारे लिए एटॉमिक नंबर है और ये हमारे लिए क्या है, मास नंबर है। तो थोड़ा सा इस बात को यहां पर और फील करिएगा आप छोटे छोटे बच्चे, कि एक जगह होती है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस तो एक स्पेस है, प्रोटॉन उसमें रहने वाले पार्टिकल है, और जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बताओ इसमें चार प्रोटॉन है, बेरिलियम बन रहा है, चार प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन क्या एक ही जगह रहेंगे या कहाँ रहेंगे नहीं मालूम, अभी हम नहीं जानते, लेकिन रहेंगे बाहर न्यूक्लियस के, इतना हम जानते हैं। तो चलिए खैर वो तो बात की बात हो गई। अभी हमारे पास इसके अंदर एक और चीज है कि न्यूट्रॉन भी रहेंगे, और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चार हैं या पांच हैं, तो वो भी न्यूक्लियस में रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत बेसिक सी इनऑर्गेनिक है, तो ये हमारे पास जरूरत है। अब रिप्रेजेंट करते वक्त आप अभी भी ए ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अब इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, -1 या 1 माइनस, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पर एक्स जेड ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1। कुछ इसको माइनस वहां लगाना ज्यादा पसंद करते हैं कि हम वहां लगाएंगे, रीजन ये है कि -1 पावर को शो करता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर करूं और यहां पर +1, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार आदमी समझ जाता है कि क्या चीज है। तो ये हमारे पास हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर निकला है, माइनस इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन आया है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट हो गया कि आपका एलिमेंट के ऊपर चार्ज प्रोटॉन के आने जाने से नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होता है, ठीक है ना। यानी चार्ज क्रिएट ऑन क्रिएट या जनरेट ऑन एटम ओनली ड्यू टू ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्का, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट
नेगेटिव चार्ज ऑन रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट पॉजिटिव चार्ज, लिख सकते हैं आप ये पॉइंट भी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ भाई, अभी तक हम ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। 10th क्लास में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रखा था कि न्यूक्लियस के अंदर इतना तो पढ़ रखा था ना कि प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर इन सब चीजों का रिविजन करा रहा हूँ जिससे मुझे आगे चैप्टर में ईजी रहे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारे लिए क्या रहेगा कि हम कुछ नई टर्म हमारे पास आ रही है, जैसे एक एक करके हम उन टर्म्स को लिखना चाहते हैं। तो सबसे क्या हो? सबसे पहले कौन सी टर्म्स आ रही है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो हम इसका एक साइकिल ही बना लेते हैं। एक टेबल बनाई है हमने जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है इस जगह की कौन सी डेफिनेशंस क्या बनेगी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये हमारे लिए मेन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स की। आप थोड़ा थोड़ा सा तो आइडिया पहले भी रखते हो कि जेड की वैल्यू सेम है, एक ही एलिमेंट है, जेड का मतलब एक सेम होती है एक ही एलिमेंट, लेकिन ए डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये हमारे पास तीनों आइसोटॉप्स हैं, सबके लिए 111 है, इसलिए सिंबल भी सेम होगा। इससे एक बात दिमाग में बिठा के रखना, अगर जेड की वैल्यू सेम है तो उसका सिंबल भी सेम होगा, और जेड की वैल्यू अलग होती है सिंबल हम अलग रखते हैं। ठीक है, जबकि ए की वैल्यू डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सिंबल किससे डिसाइड होगा, जेड से या ए से? जेड से। आ गई बात समझ में? चलो, तो दूसरा डेफिनेशन हमारे पास बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे लिए, आइसोमर्स। आइसोमर्स के लिए हमारे लिए क्रिस्टल सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, बस क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे कोई भी हो सकता है, कोई एलिमेंट है वो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रह सकता है, उसकी सॉलिड स्ट्रक्चर में 3D डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। तो उसकी जगह 3D डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यूरेनियम एक्स और यूरेनियम जेड, सब कुछ सेम है, प्रोटोन सेम, न्यूट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, ऑल थिंग आर सेम। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस जगह आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए आइसोमर्स हो गया। अब बात करते हैं आइसोबार्स। ये आइसोबार्स का मतलब क्या है हमारे पास, कि इनके लिए जेड की वैल्यू कहीं ना कहीं, आइसोबार्स हमारे लिए यहां पर क्या है कि जेड की वैल्यू अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलग तो रखना ही पड़ेगा एक चीज को इस जगह, लेकिन हमारे लिए मास नंबर क्या हो, सेम हो। तो ये सब 40 40 40 है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट है जेड की वैल्यू अलग अलग होने से। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आइसोबार्स। नेक्स्ट हमारे लिए एक और हो रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम। आप देख लो, ओ माइनस टू में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ माइनस में भी 10 है, नियोन में भी 10 है, सोडियम प्लस में भी कितने हैं, 10 है। नेक्स्ट आइसोटॉन्स, जिसको आप आइसो क्या बोल सकते हो, न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो। तो कैसे भी करके न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। तो न्यूट्रॉन कब सेम होंगे, जैसे मैंने आर्गन लिया 18, आर्गन 18 ही होता है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 40, लेकिन मैंने कौन सा लिया है, 39, यानी वो उसका आइसोटॉप लिया है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है आप बता सकते हो, जल्दी से बताओ, 21 आ रहा है ना डिफरेंस, तो डिफरेंस 21, और यहां पर भी कितना आ रहा है डिफरेंस, 21। तो ए माइनस जेड की वैल्यू दोनों जगह कितनी है, 21 21। तो डिफरेंस सेम है, यानी कि डिफरेंस ही तो न्यूट्रॉन को समझाता है आपको। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो इन दोनों की जगह न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स। लास्ट बचा आइसोटॉर्स। तो ये हमारे लिए क्या है, यहां पर क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट, हाँ ये दोनों फिजिकल स्टेट सेम रखता है, दोनों गैस गैस है। नंबर ऑफ एटम्स, हाँ इसमें भी 3 एटम्स है, और यहां पर भी आपके पास कितने एटम्स दिख रहे हैं, 3 एटम्स। और क्या चीज आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन भी सेम है। क्या टोटल इलेक्ट्रॉन सेम दिख रहे हैं आपको, सीओ के अंदर कितने दिखाई दे रहे हैं, देखो कार्बन में कितने होते हैं, 6 8 और 6 14। तो देखो क्या यहाँ पर 14 सही है क्या, नहीं, यहाँ पर सेम नहीं आ रहे, पक्का नहीं आ रहे। तो अब आप क्या करेंगे, क्या ये हमारे लिए हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहे, तो क्या हमारे लिए आइसोटॉर्स हो सकते हैं, नहीं। लेकिन एक काम कर सकते हैं, सिर्फ N2 रखते हैं हम, N2, तो N2 के अंदर कितने हो जाते हैं, 14। तो अब क्या हमारे लिए दोनों गैस है, दोनों एटम्स भी सेम है, 3 एटम्स 3 एटम
नहीं, टू एटम्स टू एटम्स, ध्यान रखना एटम भी सेम नहीं थे, टू एटम्स टू एटम्स, एटम भी सेम हो गए और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए। तो हमने वहां पर एन टू लिखना था, हमने एन टू ओ लिख दिया था, वो गलत है। तो अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, तो कहीं कोई दिक्कत आ रही है इस चीज को समझने में, इस चार्ट को समझने में? तो ये बेसिक डेफिनेशन चार्ट हो गया जो आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं आपसे एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो बताइए प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटॉप्स। अच्छा बताइए आर्गन 39, आर्गन 18 और 40 पोटेशियम 19, दोनों में क्या वैल्यू सेम है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वैल्यू सेम है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोटॉन्स। अच्छा आप मेरे को बताइए यूरेनियम एक्स और यूरेनियम जेड एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोमर्स और आइसोटॉप्स क्या रहेंगे? आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोमेरिस जैसा ही कंसेप्ट है कुछ। तो अगला बताइए कि कैल्शियम और आर्गन 40-40, कैल्शियम आर्गन 40-40 एक दूसरे के क्या है? आइसो बार्स। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर मास नंबर सेम है। क्या आइसो बार्स होता है तो जेड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए? नहीं, अगर जेड की भी वैल्यू सेम हो गई और ए की वैल्यू सेम हो गई तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो क्या आइसोमर्स के, आइसोबार्स के लिए जेड डिफरेंट होना चाहिए और ए सेम होना चाहिए? हाँ। क्या ए भी सेम होना जाए, ए और जेड दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं। क्या ए डिफरेंट हो जाए और जेड सेम हो जाए? नहीं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है कि कौन सा रिलेशन किसके लिए सेम है, मैच द कॉलम टाइप। तो आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया? बोलो यस, क्लियर है? तो ये बेसिक